हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू डर टिप्स मैं हूं सरबजीत सिंह आज हम करेंगे कंपाउंड जनरल एंट्री का टॉपिक मींस कंपाउंड जनरल एंट्री किसको बोलते हैं और इसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स कंपाउंड जनरल एंट्री उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट के या फिर क्रेडिट के हों और उसे एक सिंगल जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करें बुक्स में तो उस जनरल एंट्री को हम कंपाउंड जनरल एंट्री बोल देते हैं पाउंड एंट्री को कंबाइंड जनर एंट्री भी कहा जाता है कंपाउंड एंट्री किस ट्रांजेक्शन से बनेंगे उसकी एग्जांपल क्या होगी जैसे जब हम एक ट्रांजेक्शन ले लेते हैं जहाँ पर ए एंड बी कंपनी परचेज गुड्स वर्थ ऑफिस फिफ्टी थाउजेंड एंड पेड थर्टी परसेंट अमाउंट इन कैश एंड बैलेंस बाय चेक अब इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं और इसमें अकाउंट देखते हैं कौन कौन से इन्वॉल्व हैं एक देखिए बिजनेस के पास गुड्स आ रही हैं तो एक गुड्स इन्वॉल्व हो गया ठीक है ए एंड बी कंपनी के पास परचेज कर रहा है ना ए एंड बी तो उसके पास गुड्स आएगी उसमें गुड्स इन्वॉल्व होगी और दूसरा एक कैश जा रहा है सप्लायर को जो भी गुड्स का सप्लायर होगा उसको हम पेमेंट कर रहे हैं इन द कैश वो कैश भी जा रहा है तो वो एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया और जो बैलेंस पेमेंट है वो बाय हम चेक कर रहे हैं तो एक चेक जा रहा है मतलब बैंक अकाउंट वो बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व हो गया सो so, इसमें तीन अकाउंट इन्वॉल्व हैं पहला है परचेज अकाउंट दूसरा है कैश अकाउंट तीसरा है बैंक अकाउंट अब परचेज गुड्स हमारे पास आ रही है तो मीन्स रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कम्स इन डेबिट करेंगे और कैश और बैंक जा रहे हैं रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग गोज आउट को क्रेडिट करेंगे तो इसमें डेबिट जो है वो एक अकाउंट है और क्रेडिट के हमारे पास दो अकाउंट हैं कैश एंड बैंक सो जिस भी ट्रांजैक्शन में या तो डेबिट के दो अकाउंट हो और या फिर क्रेडिट के दो अकाउंट हो उस ट्रांजैक्शन को जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं सिंगल जर्नल एंट्री में तो उस जनरल एंट्री को हम कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं सो so, इसलिए ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है आगे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम दो तरीके का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकता है इसका पहला जिसमें डेबिट के दो अकाउंट होंगे और क्रेडिट का एक अकाउंट होगा और दूसरा जिसमें डेबिट का एक अकाउंट होगा और क्रेडिट के दो अकाउंट होंगे वैसे तो डेबिट और क्रेडिट के दोनों के दो दो अकाउंट चार चार अकाउंट हो सकते हैं लेकिन वो एंट्री कॉम्प्लिकेट हो जाएगी आपके लेवल के लिए इसलिए मैं आपको सिंपल आपके लेवल की एंट्री समझा रहा हूँ एक डेबिट और दो क्रेडिट या दो डेबिट एक क्रेडिट ठीक है जर्नल एंट्री का ट्रीटमेंट अगर फुल फ्लेज आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो हमने उसका पहले ही आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जैसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मैं दोनों वीडियो के लिंक आई बटन में दे रहा हूँ आप जिस भी जिस भी रूल्स से जनरल एंट्री करना चाहते हो उस रूल को फॉलो कर सकते हो मैं ज़्यादातर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करता हूँ और इससे भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की ही फॉलो करके जिस जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको ठीक है अब पहले वो ट्रांजेक्शन लेते हैं जिसमें डेबिट के दो अकाउंट होंगे और क्रेडिट का एक अकाउंट होगा फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं फर्स्ट अप्रैल 2020 को ट्रांजेक्शन हुई है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राजन राजेड एंड ही पेड फाइव थाउजेंड कैश एंड थर्टी फाइव थाउजेंड चेक अब इस ट्रांजेक्शन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प से सॉल्व करेंगे फर्स्ट स्टेप है हमारे पास स्कैन एंड सिलेक्ट इसमें तीन अकाउंट इन्वॉल्व है कैश बैंक एंड सेल्स क्योंकि कैश से पेमेंट आ रही है और बैंक से भी आ रही है पांच हजार कैश आ रहा है पैंतीस हजार चेक आ रहा है चेक मीन्स बैंक ठीक है और गुड्स हम बेच रहे हैं तो बहुत सेल्स होगी टाइप्स ऑफ आप अकाउंट तीनों की एसेट्स हैं और रूल तीनों पर लगेगा रियल अकाउंट और इफेक्ट ट्रांजेक्शन का हो रहा है कैश रिसीव हो रहा है बैंक भी रिसीव हो रहा है गुड्स सोल्ड हो रही हैं ठीक है अब कंडीशन लग जाए कि गुड नुड की कैश पे कम्स इन बैंक भी कम्स इन हो रहा है सेल हो रही है वो गोज आउट हो रही है गुड्स जा रही है हमसे अकॉर्डिंग टू कंडीशन कम्स इन डेबिट कैश भी डेबिट हो जाएगा बैंक भी डेबिट हो जाएगा और सेल वट गोज आउट क्रेडिट सेल्स क्रेडिट हो जाएगी अब हमारे पास दो अकाउंट डेबिट के आ गए और एक अकाउंट क्रेडिट का आ गया कैश एंड बैंक डेबिट होंगे और सेल अकाउंट क्रेडिट होगा अब इसको जर्नल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं डेट में कॉलम में लिख देंगे डेट फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी पर्टिकुलर में डेबिट की प्लेस पे लिख देंगे कैश अकाउंट और सेकंड डेबिट की प्लेस में लिख देंगे बैंक अकाउंट और क्रेडिट की प्लेस पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट कैश अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा फाइव थाउजेंड और बैंक कॉलम में सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा थर्टी फाइव थाउजेंड और सेल्स के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड क्योंकि सेल क्रेडिट हो रही है छोटी सी निरेशन लिख देते हैं बींग गुड सोल्ड एंड पेमेंट रिसिव इन कैश बाय चेक अब सेकेंड टाइप भी कर लेते हैं जिसमें डेबिट एक अकाउंट होगा और क्रेडिट टू अकाउंट होंगे या जा टू से ज्यादा होंगे ठीक है इसकी एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड करते हैं फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी की परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रोहन वर्थ रुपीज थर्टी थाउजेंड एंड पेड हिम रुपीज फाइव थाउजेंड इन कैश एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बाय चेक अब इसमें भी तीन अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं हम चेक करते हैं तो देखो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं बिजनेस के पास गुड्स आ रही हैं ठीक है और पेमेंट मेड हो रही है कैश में भी और बैंक से भी सो so, एक तो अकाउंट हमारे पास परचेज आ गया दूसरा कैश और तीसरा बैंक अकाउंट अब तीनों अकाउंट की टाइप्स हमारे पास है एसेट्स अकाउंट ठीक है रूल तीनों पे लगेगा रियल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है जो परचेज है वो रिसीव हो रही है गुड्स हमारे पास ठीक है और कैश और बैंक से पेमेंट मेड हो रही है गुड्स रिसीव हो रही है मीनस कम्स इन हो रही है और पेमेंट कर रहे हैं तो हम वो हमारे कैश भी गोज आउट हो रहा है बैंक से बैलेंस भी गोज आउट हो रहा है अब अकॉर्डिंग टू रूल्स बट कम्स इन उसे हम डेबिट करेंगे और बट गोज आउट क्रेडिट करेंगे सो परचेज डेबिट हो जाएगी और कैश एंड बैंक क्रेडिट हो जाएंगे हमारे पास तीन अकाउंट आ गए हैं डेबिट का एक अकाउंट है और क्रेडिट के दो अकाउंट हैं डेबिट हम करेंगे परचेज को और क्रेडिट करेंगे कैश एंड बैंक को अब इसको जर्नल के फॉर्मेट में लिख लेते हैं अगर आपको जनरल का फॉर्मेट नहीं आता अभी मैं आपके जर्नल के फॉर्मेट की वीडियो का लिंक भी दे दूंगा अपने चैनल की आप वो भी चेक कर लीजिएगा और आपको जर्नल का फॉर्मेट भी अंडरस्टैंड हो जाएगा अच्छे से ठीक है चलिए रिकॉर्ड करते हैं इसको डेट कॉलम में डेट लिख देते हैं फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी और डेबिट की प्लेस में लिख देंगे परचेस अकाउंट क्योंकि परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है और क्रेडिट की प्लेस में पहले पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और सेकंड क्रेडिट पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है परचेज के सामने डेबिट कॉलम में लिख देंगे थर्टी थाउजेंड और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे फाइव थाउजेंड और बैंक के सामने भी क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड छोटी सी निरेशन लिख देते हैं बींग गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड इन कैश एंड बाय चेक जे हमारा कंपाउंड एंट्री का टॉपिक ख़त्म हो गया मैं आपको कंपाउंड एंट्री की थोड़ी सी ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ एंड में और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा आप उसको सॉल्व कर लेना और कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है ठीक है आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो so, वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ कमेंट करें अगर कोई भी डाउट है आपको हमारी टीम आपका डाउट क्लियर करने में पूरी हेल्प करेगी और सब्सक्राइब करें चैनल को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय सत श्रीकाल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट जब भी आप वीडियो को देख रहे हो